हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है। वेलकम टू माय चैनल रीना की रसोई। आज हम एप्पल पाई बनाएंगे, जो कि एक डेजर्ट रेसिपी है। इसे वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए हम पाई बनाना शुरू करते हैं। मैंने मैदे को पहले से छान लिया है। इसमें बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से मिला देंगे। अब मैदे में अनसॉल्टेड बटर और एक चुटकी नमक डालकर इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मक्खन मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच पानी मिलाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सेब को छीलकर इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब कटे हुए एप्पल्स को हम शक्कर और सिनेमन पाउडर के साथ पका लेंगे। डो को आधे घंटे के बाद फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पाई का बेस बनाएंगे। इसके लिए हम डो को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। एक भाग को हम बेल लेंगे। बेलते समय हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। अब बेस को पाई मोल्ड में सावधानी से डालेंगे। एक्स्ट्रा एजेस को हम काट कर निकाल देंगे। अब पाई में एप्पल की स्टफिंग डालेंगे। दूसरे डो से हम स्ट्रैप्स तैयार करेंगे, जिसे हम पाई के ऊपर लगाएंगे। अब पाई को अंडे या दूध से ब्रश करके 180 डिग्री पर 40 मिनट के लिए ओवन में बेक करेंगे। पाई को बेक होने के बाद ठंडा होने पर ही काटें। पाई हमारी तैयार हो चुकी है। इसे वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।